नमस्कार दोस्तों, मैं घासीराम चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर नए वीडियो में आपका। और दोस्तों, आज का वीडियो हम लेके आए हैं कि आप छत पे किस तरह से एक सेटअप लगवाकर, पोर्टेबल यूनिट लगवाकर आप अपने छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं और अपनी परिवार की हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टेरेस का टूर करवाने जा रहा हूँ, जहाँ पे आज सर्दियों के मौसम में हम कौन कौन सी सब्जियां खा रहे हैं और कौन कौन सी सब्जियां हम उगा रहे हैं और इस समय आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हो। नवंबर लास्ट का महीना है और मैं दिखाना चाहूँगा कि नवंबर लास्ट में हमारे टेरेस पे कौन कौन सी सब्जियां आई है और हमने अब तक कौन कौन सी हार्वेस्ट कर ली और आप कौन कौन सी अब लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर चलता हूँ हमारी ओर। हमने यहाँ पर 3 यूनिट लगा रखी है। एक पोर्टेबल यूनिट ये वाली है जिसमें टमाटर, मूली और ब्रोकली लगा रखी है। उसी के पास में हमने दूसरी यूनिट लगा रखी है, उसमें ग्रीन सब्जी में हमने पालक, धनिया और फूल गोभी, पत्ता गोभी लगा रखी है। चलिए हम चलते हैं हमारी पहली यूनिट की ओर, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे छत पे टमाटर ग्रो किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रूफटॉप फार्मिंग कंपनी इंडिया में एज इट इज़ कोई भी कंपनी आपको इतनी क्वांटिटी में टमाटर नहीं उगा के दे सकती, ये हमारा दावा है दोस्तों। जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हो, ढेर सारे टमाटर हमने यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं और इसमें हार्वेस्टिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि पूछिए मत दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टमाटर की साइज़ लगभग एक टमाटर 100 ग्राम के आसपास होगा, 100-150 ग्राम के कम से कम इसका वज़न है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ढेर सारे इसमें टमाटर लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए टमाटर की साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस समय ऐसा मौसम है, दिसंबर में भी आप टमाटर की सैपलिंग लगा सकते हैं और टमाटर खा सकते हैं अपने परिवार के लिए। आप किचन गार्डन में, खेत में, कहीं भी आप टमाटर उगा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने सभी टमाटर आपको दिखाए, इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग शायद ही आपने कभी देखी होगी। जो इस टमाटर की साइज़ है वो कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे टमाटर। इसके पास में मैं आपको ले के चलता हूँ मूली। जैसा कि आप जानते हो, मूली सबको पसंद होती है। मूली ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मूली हमारी हार्वेस्ट हो रही है और हमने 1/4 में मूली ग्रो की हुई है। जैसा कि इसके पास में मैं दिखाना चाहूँगा आपको ब्रोकली। दोस्तों देखिए, ये हमने ब्रोकली ग्रो की हुई है। इसके पास में दूसरी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने ग्रो किया हुआ है 1/4 में पालक, 1/4 में धनिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए लगातार हम पालक और धनिया की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फिर भी अपने को हमको ये रेगुलर हार्वेस्टिंग दे रहा है। और इसके बाद में भी हम अगले 1 से 1.5 महीने कम से कम इसमें से हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। इसी के पास में अगर आगे लेके चलता हूँ तो हमारी गोभियों की ओर, जो कि पत्ता गोभी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हार्वेस्ट के लिए तैयार है, इसको कभी भी तोड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी पत्ता गोभी है। और इसी के पास में फूल गोभी, जिसमें कि अब आने वाले हैं फूल, ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही टाइम में इनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की अगर ऑर्गेनिक सब्जियां आप भी अपनी छत पर उगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमसे बात करें GR ऑर्गेनिक कंपनी में, और इस तरह की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अपने छत पर उगवाइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब करना ना भूले, पास ही वाले बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय जवान जय किसान।